ही हैड अ स्केरी पीक लेजिट. उसको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे वो उतना फ्लरिश करेगा. उस नैरेटिव के वजह से ना एक वो पोस्टर बॉय बन गया था कंट्री का. एक साल भी उसने परफॉर्म नहीं किया तो बस उसे फिनिश डिक्लेयर कर दिया जाएगा. हर रिकॉर्ड उसका है, लिटरली हर रिकॉर्ड उसका है. तब भी नोबडी कुड क्वेश्चन हिज स्टैचर, हिज स्टेटस, हिज पोजीशन इन द टीम. सो इन सब एरा में कॉमन चीज क्या है? कॉमन Hey guys, welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Mohit. And this is Aditya. और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. बहुत बड़ी डिबेट है. डिबेट है बट यार हम ना थोड़े रिस्पेक्टफुल वीडियो बना रहे हैं. इट्स मोर अबाउट रिस्पेक्ट. सो टुडे वील कंपेयर टू ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली. लेट्स फाइंड आउट. सो जब हम क्रिकेट के बारे में सोचते हैं, इंडियन क्रिकेट के बारे में, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक जनरेशन ऑफ प्लेयर आती है जिसमें रवि शास्त्री था, कपिल देव था, श्रीकांत था. फिर थोड़ा और आगे चलें तो फिर एक वो जनरेशन आती है जिसमें द्रविड था, गांगुली था. और फिर अब थोड़ा रिसेंटली आ जाएं तो फिर जिसमें अश्विन था, कोहली था, कोहली है. सो इन सब एरा में कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन है सचिन तेंदुलकर. राइट. एंड यू नो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हिज लॉन्जेविटी. आई एग्री. एंड लॉन्गजेविटी की बात कर रहे हैं, देखो यार मेरे ओपिनियन में द मोस्ट एलिगेंट बैट्समैन, वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग, मेरे हिसाब से तो मोस्ट हार्ड वर्किंग था अलॉन्ग साइड कोहली, क्योंकि कोहली ने बहुत हार्ड वर्क करा है. सो द मोस्ट हार्ड वर्किंग, द मोस्ट एलिगेंट एंड द ब्यूटी दैट ही हैड इन हिज गेम वॉज इम्पेकेबल एंड अनमैच्ड अक्रॉस ऑल जनरेशन फॉर मी. राइट. एंड इसी का यूज करते हुए उसने इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए. आई मीन व्हेन वी स्पीक ऑफ बैटिंग, हर रिकॉर्ड उसका है, लिटरली हर रिकॉर्ड उसका है. यहाँ तक कि उसने T20 क्रिकेट नहीं खेला इंटरनेशनली इतना, फिर भी उसने IPL में सेंचुरी मार दी व्हेन ही वाज 35+. राइट. तो यार अडैप्टेबिलिटी की बात कर लो, वो भी इससे क्लियर हो जाता है कि वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में कैसे उसने अपने आपको अडैप्ट करा है इतने अच्छे तरीके से. राइट. यार अब एक चीज़ कैप्टेंसी पे आते हैं. अगर हम कैप्टेंसी, क्योंकि मैं कोहली का पॉइंट रख रहा हूँ, तो कैप्टेंसी पे आते हैं तो अब हमने जैसे देखा कि तेंदुलकर उतना फ्रेश नहीं करा कैप्टेंसी के साथ. ऑल दो कोहली कैप्टेंसी को लेके भी बहुत क्रिटिसिज्म आता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा बंदा है ना यार, जिस उसको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे वो उतना फ्लरिश करेगा. आई एग्री. मतलब स्टैटिस्टिक्स भी यही बोलते हैं कि जब से विराट कोहली को कैप्टेंसी मिली थी तब से उसके जो नंबर्स थे, उसके जो सेंचुरीज थी, वो स्काई रॉकेट कर रही थी डायरेक्टली. आई मीन हिज फर्स्ट सीरीज एज अ फुल टाइम कैप्टन ऑस्ट्रेलिया में जब वो टेस्ट खेलने गए थे, चार टेस्ट मैचेस खेलने गए थे, हार गए थे, बट चार सेंचुरीज मारी थी उसने. राइट. क्रेजी. ऑन द अदर हैंड तेंदुलकर के साथ ऐसा नहीं होता है. तेंदुलकर इज मोर दैट काइंड ऑफ अ गाय हु लाइक्स टू स्टे अवे फ्रॉम इट एंड वांट्स टू फोकस जस्ट ऑन हिज बैटिंग. उसको ये लगता होगा कि ही कैन कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू द टीम थ्रू हिज बैटिंग. कैप्टेंसी का लोड लेके फिर उसकी बैटिंग भी अफेक्ट हो रही थी उस टाइम पे. राइट. तो दो अलग अलग टाइप के पर्सनालिटीज हैं. आई मीन ऑन द पिच एज वेल यू सी तेंदुलकर इज मोर काम एंड कंपोज्ड. राइट. ह्यूमिलिटी बहुत एसोसिएट करते हैं हम विराट कोहली को, स्पेशली इन हिज इनिशियल डेज एरोगेंट बोलते थे बहुत, बहुत अग्रेसिव बोलते हैं आज तक. तो बहुत ऑपोजिट पर्सनैलिटीज हैं बट स्टिल बोथ ऑफ देम आर द ट्रू ग्रेट्स ऑफ द गेम. वही, इसमें कुछ हम ये नहीं कह रहे कि ये कैप्टेंसी में अच्छा है वो गंदा है. इट्स जस्ट अबाउट कि पर्सनालिटी डिफरेंट है. बट आई थिंक या पर्सनालिटी कैप्टेंसी वाइज डेफिनेटली विराट कोहली हैज एन अपर हैंड. राइट. एंड यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. आई मीन अ फ्यू इयर्स बैक आई वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर एंड उसमें एक बहुत अच्छा आर्टिकल था वेयर आई फाउंड आउट दैट सी तेंदुलकर वॉज राइजिंग अलॉन्ग विद इंडिया. 1989 में उसने डेब्यू किया था एंड 1991 में फॉर एग्जांपल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी इंडिया में. राइट. तो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन सब हो रहा था. सो दिस ग्रोइंग इंडिया अलोंग विद दिस न्यू यूथ आइकॉन, उस नैरेटिव के वजह से ना एक वो पोस्टर बॉय बन गया था कंट्री का. एंड इंडिया को लोग जो है वो तेंदुलकर की ग्रोथ से एसोसिएट करने लग गए थे. राइट. तो तेंदुलकर को सेकेंडली एक तो सबने अपने सामने बड़ा होते हुए देखा है उस जनरेशन में. ही केम इन व्हेन ही वाज 16 एंड उसके बाद से ही रिटायर्ड एट द एज ऑफ 40. तो 24 साल यार लोगों ने उसको देखा है खेलते हुए एंड ही हैज बीन द नंबर वन बैट्समैन थ्रू आउट. वो चीज विराट कोहली के साथ नहीं है. राइट. विराट कोहली तब आया था जब तेंदुलकर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था टीम में
एंड विराट कोहली हमेशा वो एकदम रोनाल्डो वाला सीन है उसका कि यू हेट मी आई विल प्रूव यू रॉन्ग, सो ही थ्राइव्स ऑन हेट, राइट। तो ऐसे नैरेटिव में ना मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि तुम कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, जैसे ही तुम्हारा थोड़ा सा भी लो पॉइंट आएगा ना तो तुम्हें दोबारा हेटर्स जो है ना प्रीच करने लग जाएंगे तुम्हारे अगेंस्ट, विच वी हैव सीन इन द रिसेंट ईयर्स विद विराट कोहली पोस्ट पैंडमिक, राइट। तेंदुलकर के साथ कभी भी ऐसा नहीं था, एक जो गॉड स्टेटस होता है ना वो तेंदुलकर के साथ हमेशा से एसोसिएटेड था भाई, थ्रू आउट उसके करियर में रहा ही है वो, एग्जैक्टली। एंड इवन इन हिज लास्ट ईयर्स जब उसने सेंचुरी शायद एक साल में एक ही सेंचुरी मारी हो या फिर एक साल में सेंचुरी नहीं मारी है, तब भी नोबडी कुड क्वेश्चन हिज स्टैचर, हिज स्टेटस, हिज पोजीशन इन द टीम, राइट। सच वाज द ऑरा ऑफ हिज, ही वाज अनक्वेश्चन्ड। विराट कोहली के साथ मेरे मुझे नहीं लगता कभी भी ऐसा हो सकता, उसके साथ वैसा है कि उसे हर साल प्रूव करना पड़ेगा अपना, एग्जैक्टली। मतलब एक साल भी उसने परफॉर्म नहीं किया तो बस उसे फिनिश डिक्लेयर कर दिया जाएगा, एग्जैक्टली। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, कोहली इज 33 राइट नाउ और तेंदुलकर जब 33 था तब उनके क्या स्टैटिस्टिक्स थे। सो तेंदुलकर के मैचेस 362 थे, कोहली के हैं 254, रन्स कोहली के 12,169, तेंदुलकर के थे 14,146, एवरेज कोहली का 57.68 और तेंदुलकर का 44.20, सो एवरेज इज बेटर। आई मीन वैसे अब क्या देखे, तुम्हें क्या लगता है स्टैटिस्टिक्स को देख के? यार मुझे ये लगता है कि विराट कोहली स्पेशली सिंस 2016 टिल 2018-19 ही हैड अ स्केरी पीक, लेजिट। मतलब सबको ये लग रहा था एक पॉइंट पे कि यार वो इजिली ओडीआई रिकॉर्ड तो तोड़ ही देगा तेंदुलकर का, राइट। एंड इन ऑल ऑनेस्टी देखो, विराट कोहली ऑफ दिस जनरेशन सबसे अच्छा बैट्समैन इन माई ओपिनियन, ही हैज़ बीन कंसिस्टेंट थ्रू आउट दीज थ्री फॉर्मैट्स दैट वी नो अबाउट। एंड तेंदुलकर के साथ देखो ये था कि उस टाइम पे पावर प्ले नहीं होता था, फर्स्ट 16 ईयर्स ऑफ हिज करियर वो पावर प्ले में खेला ही नहीं है, राइट। सेकेंडली तेंदुलकर के टाइम पे ODIs में दो बॉल्स यूज नहीं होती थी, एक ही बॉल चलती थी थ्रू आउट द 50 ओवर्स। तो फिर वी यूज टू सी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स की रिवर्स स्विंग हो रही है बॉल, स्पिनर्स को ग्रिप मिल रही है क्योंकि बॉल थोड़ी पुरानी हो गई है, शाइन चली गई है, तो बॉलर्स का भी कंटेंशन रहता था गेम में, राइट। विराट कोहली को ऑन द अदर हैंड इन चीज़ों का बेनिफिट मिला है, ही हैज़ प्लेड ऑल हिज करियर इन द पावर प्ले एरा, फिर टू न्यू बॉल्स वाला भी जो रूल था वो भी हैज डोमिनेटेड थ्रू आउट हिज करियर, तो इन सब चीज़ों का फायदा रहा है उसको एज अ बैट्समैन। बट स्टिल वी कांट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिज रिकॉर्ड क्योंकि यार बाकी लोग तो नहीं कर पा रहे ना, बट आई स्टिल फील दैट तेंदुलकर हैड ही बीन इन दिस एरा तो उसके रिकॉर्ड्स भी काफ़ी हद तक कोहली से मैच कर रहे होते। आई मीन एवरेज तो कोहली की एक टाइम पे वॉज नियरिंग 60 इन ODIs, दैट इज अब्सर्ड, अनहर्ड ऑफ। तो उसको हटा दो, बाकी रन्स वगैरह हो गए, सेंचुरीज हो गई, मुझे लगता है उसमें तेंदुलकर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। एंड एडिंग टू दी स्टैटिस्टिक्स, एट 33 ईयर्स ऑफ एज तेंदुलकर की 76 सेंचुरीज थी। एंड टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें तो उसमें कोहली की 27 सेंचुरीज हैं, 28 50s हैं, दैट्स अ क्रेजी स्टैट एंड अ क्रेजी कन्वर्जन रेट, एग्जैक्टली। ऑल दो तेंदुलकर भी उतना पीछे नहीं है, तेंदुलकर की 51 सेंचुरीज एंड 68 50s हैं। वही बात है ना कि एज यू मूव अहेड इन योर करियर, जितना तुम लंबा खेलोगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा ऐसे टाइप के स्टैट्स को मेंटेन करना, कन्वर्जन रेट हो गया, एवरेज हो गया, स्ट्राइक रेट हो गया, तो ये सब बातें आ जाती हैं। एंड स्ट्राइक रेट की बात करें तो आई थिंक यू हैव अ वेरी गुड स्टैट टू स्पीक ऑन। अगर हम सक्सेसफुल रन चेजेस की बात करें तो उसमें कोहली का स्ट्राइक रेट इन ODI इज 96.38 एंड तेंदुलकर का इज 90.08। आई मीन तेंदुलकर अभी अच्छा है, और वही बात है ना अभी जो हमने फैक्टर्स डिस्कस करे कि यार ODI में दो नई बॉल होती थी, पावर प्ले नहीं था, तो अगर वो सब होता तो तेंदुलकर का मुझे लगता है कि आज के डेट में वुड हैव मैच्ड विराट कोहली, राइट, कुड हैव बीन नियर 100 एज वेल स्ट्राइक रेट। एंड यार तेंदुलकर उस एरा से आया जहाँ पे बिग हिटिंग इतनी फेमस नहीं थी, इतना कॉमन नहीं था, तो उस एरा में होने के बाद भी उसकी स्ट्राइक रेट 90 की है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है इन माय ओपिनियन, राइट। इवन एवरेज ODI में कोहली की एवरेज सक्सेसफुल रन चेजेस में इज 83.97 एंड तेंदुलकर की इज 55.45। कोहली का रन चेजेस में तो कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट। विद ऑल डू रिस्पेक्ट टू सचिन, इस बात पे मैं एग्री करता हूँ कि यार विराट कोहली इन ODIs जब रन चेज हो रहा है
सबसे ज्यादा मतलब सक्सेसफुल मेरे हिसाब से वही है एंड वेरी रिलायबल एज वेल, बहुत रिलायबल है। तेंदुलकर के साथ वैसा नहीं है। एंड एक ऐसा क्रिटिसिज्म ये भी आता था तेंदुलकर के टाइम पे कि फोर्थ इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच में उसकी सेंचुरीज नहीं है ज्यादा, तो हालांकि वो बहुत डिबेटेबल है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा इतना। बट हाँ, ओडीआईज में रन चेजेस की बात कर रहे हैं, स्पेशली सक्सेसफुल रन चेजेस, तो विराट कोहली टेक्स द एज इन माय ओपिनियन। राइट। एंड ये सब बात करके ना एक और पॉइंट आता है मेरे दिमाग में कि यार बहुत क्रिंज टॉपिक है ये बहुत, बट यही लगता है मेरे को कि यार उस टाइम पे DRS भी नहीं था। एंड तेंदुलकर को यार तुम देखोगे ना अगर, तो वो बहुत बार 90s में आउट हुआ और गलत डिसीजन पे आउट हुआ है, तो 100 सेंचुरीज का क्या भाई, 110 भी हो सकती थी इन माय ओपिनियन। ठीक है, मतलब इसमें मैं क्या बोलूँ। सो एट द एंड ऑफ द डे, हु डू यू थिंक इज बेटर? यार मैं नहीं बोलूँगा ये, स्टिल इन माय ओपिनियन इट्स वेरी रॉन्ग टू कंपेयर दीज टू, एस्पेशली बिकॉज भाई दोनों हमारी कंट्री के बहुत महान प्लेयर हैं, तो इट्स वेरी रॉन्ग टू कंपेयर दीज टू। बट जो एक भगवान वाला स्टेटस है ना, वो हमेशा तेंदुलकर के पास रहेगा ही रहेगा। देखो मेरे ओपिनियन में तेंदुलकर विल बी द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर, एंड विराट कोहली कुड बी अ क्लोज सेकेंड, राइट, बट तेंदुलकर टेक्स इट हैंड्स डाउन। सो दैट्स गोना बी इट फॉर टुडे गाइस, वी होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा प्लेयर बेटर है, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना। बिसाइड्स ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें चेकआउट कर लेना, वहां पे भी रोज नया कॉन्टेंट आता है। एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।